वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके मुझे ज़रूर ज़रूर बताना। एंड अभी मेरा सुबह का खाना भी बनने लग गया है, मतलब ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा बन गया है। मैंने बनाई है आलू मेथी और मटर डाल दिए उसके अंदर, मटर फली वो डाल दिए मैंने उसके अंदर। और अभी मैं रोटी बना रही हूँ और यहाँ पर हस्बैंड लगा रहे हैं पापा जी का खाना, मतलब उनको खाना परोस रहे हैं वो। मैं अभी खाना बना रही हूँ इसलिए गरम गरम खा लेते हैं इसी यही टाइम पे 11:30 के समथिंग। और सुबह का नाश्ता वगैरह भी हमारा हो गया है। मैंने सोचा था आज सुबह से ही मैं व्लॉग शूट करूँगी बट वो हो नहीं पाया, मैं थोड़ा काम में ही रह गई। तो अभी मैंने सोचा कि अभी स्टार्ट कर देती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा सारी बातें करनी है आपसे इस व्लॉग में, तो बने रहिएगा। एंड पसंद आए आपको वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कर देना। और चलो मैं आपसे मिलती हूँ खाना बनाने के बाद। ये आ गई है, सारी ठंड आप पे पड़ रही है। नहीं इतना खतरनाक मोटा ये पहन रखा है, क्यों इधर कुछ तो बोलो यार, इतने दिन के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, कुछ तो बोलो। ठंड लग रही है। 2 hours later। तो गाइस अभी मैंने खाना खा लिया है और अभी काफ़ी देर से मैं छत पे बैठी हुई थी, धूप ले रही थी आराम से, बहुत अच्छी धूप आ रही है और छत पर बैठकर ही मैंने खाना खाया। तो इतना कोई अच्छा मतलब खास वीडियो नहीं है ये, इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैंने इतने टाइम से वीडियो क्यों नहीं डाला। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने 2 वीडियो डाले हैं और मैंने वापस से वीडियोस डालना स्टार्ट किया क्योंकि अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है तो इसलिए वीडियो डालना वापस से स्टार्ट कर दिया। 3 महीने हो गए मुझे मैंने वीडियोस नहीं डाले और उसका रीज़न ये है कि पहले तो हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा उनको डेंगू मलेरिया हो गया था और उसमें काफ़ी मतलब 2 महीने समथिंग ऐसे हमारे निकल गए, 1.5-2 महीने निकल गए हमारे, उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। और उसके बाद वो ठीक हुए और फिर मैं सीढ़ियों से गिर गई। मैंने अपने यूट्यूब पर मैंने अपना एक पिक भी मैंने शेयर करा था जिसमें मेरे कमर पे पट्टा चढ़ा हुआ था, तो मुझे काफ़ी ज़ोर से लगी थी और अभी भी दर्द रहता है, पर उससे तो मुझे छुटकारा मिल गया। जो दर्द उस टाइम पर था और मैं बता नहीं सकती, मैंने सोचा भी था कि मैं अभी इस स्थिति में वीडियो बना लूं पर मैंने नहीं बनाया, वो भी पता नहीं क्यों, वरना मैं आपको बताती कि कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। और उस टाइम पे स्थिति मेरी ऐसी इतनी ज़्यादा ख़राब थी, पर कोई नहीं, सारा टाइम निकल गया। 3 महीने इतने ज़्यादा बेकार निकले हमारे कि पूछो ही मत। और बस अभी मैंने वापस से वीडियोज़ स्टार्ट कर दिए हैं बनाना, अभी यही रीज़न था। अभी तो ज़्यादा मैं पकाऊँ ना आपको और मैं भी ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ बात ये, बाकी बस और कुछ नहीं। तो अभी खाना खा लिया है मैंने और अब मैं जाऊंगी मार्केट, थोड़ा सा काम है किचन में वो ख़त्म करके मार्केट जाना है, मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, अपने लिए इनर लेना है और मेरी जूती ठीक करवानी है। मैं आपको बताती हूँ वो जूती भी कि उसमें ठीक क्या करवानी है, मैंने सिर्फ एक बार ही पहनी थी और वो ख़राब हो गई, मतलब उन्होंने अच्छी नहीं दी थी तो उसको ठीक करवानी है। चलो मैं बताती हूँ। तो ये है मेरी जूती, ये देखो, एक बारी में ही पहना था मैंने इसको सिर्फ 2-3 घंटे, जिसमें एक तो इसका ये पाँव इधर अंगूठा निकल गया और इधर ये पूरा इसका बुरा हाल हो गया, तो इधर से भी ये निकल ही रही है ऑलमोस्ट ये से, तो इसको ठीक करवाना है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे जो कमर में लगी थी तो उसमें हुआ ये था कि मेरी 2 नस चढ़ गई थी, मतलब क्या हुआ था वो तो मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा ही बताया ठीक करने वाले भैया ने, क्या मेरी 2 नस चढ़ गई थी जिसकी वजह से ना तो मैं चल पा रही थी ना कुछ नहीं। और मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी गई तो वहाँ पे मुझे 5-6 दिन तक मैं कंटिन्यू गई तो मुझे कोई आराम नहीं मिला, कोई असर नहीं पड़ा कि हाँ मतलब ठीक हो रहा है दर्द, ऐसा कुछ दर्द और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। उसके बाद फिर मैं एक गाँव में गई थी, वहाँ पर एक बा साहब थे जिन्होंने मुझे ठीक करा और उनका भगवान बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने मुझे ठीक करा एकदम से। 15 मिनट में मैं चलने लग गई थी अच्छी तरीके से। तो उसका भी मैंने एक छोटा सा मतलब हस्बैंड ने उसका क्लिप बनाया था एक छोटा सा, तो मैं आपको वो इसके शेयर कर दूंगी इस वीडियो में, मैं आपको बताऊंगी वो। Thank you.
मैं इसलिए जा रही हूँ मार्केट क्योंकि कल मुझे जाना है शादी में, और गांव में जाऊंगी मैं शादी में, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक इनर लेके आ जाती हूँ तो वो अच्छा रहेगा। मैं इनर पहन लूँगी, उसके ऊपर स्वेटर पहन लूँगी तो ज़्यादा मुझे ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि गांव में अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी क्योंकि सारे खेत वगैरह ठंडे ठंडे पानी उनको पिलाते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर ठंड ज़्यादा होगी। और अभी का मौसम भी ऐसा हो रहा है कि एक दिन धूप है तो दो दिन या तो ठंडा मौसम है, या फिर दो दिन धूप है तो एक दिन ठंडा मौसम है, ऐसा हो रहा है। तो मैं इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और फिर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मेरे को सर्दी जुकाम वगैरह वगैरह इतना ज़्यादा मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैं मार्केट जाके इनर लेके आ जाती हूँ और अपनी जूती ठीक करवा के आ जाती हूँ, क्योंकि मैं यही वाली पहन के जाऊँगी। तो चलो चलते हैं मार्केट, ये अभी लेटे हुए हैं, इनको दो बार बोल चुकी हूँ मैं, चलना ना चलो। Two hours later. क्या करूँ मैं बताओ आप, गैस पर रख दे कभी, नल बंद कर देना। तो अभी मैं आई हूँ मार्केट से और अभी इनके लिए रखूँगी पानी गर्म, एक सेकंड पर मैं पानी गर्म रख देती हूँ फिर मैं आपसे बात करूँ। तो हम लोग अभी आए मार्केट से, बहुत ज़्यादा हमको थक गए हम भाई। मुझे चाहिए थी इनर बिना बटन वाली, उसको ढूंढने के लिए मैंने पूरा मार्केट छान मार लिया, और लास्ट में फिर हमको जिस एक दुकान से हमको हमारा एक सामान लेना था, मैंने मंगलसूत्र बनवाने के लिए डाला था, वो मैंने पहले छोटा करवा लिया था, फिर अभी वापस से मैंने उसको बड़ा करवा लिया। जहाँ पर हमने मंगलसूत्र डाला था वहीं के आस पास की दुकान में मुझे मिल गई इनर, मैंने दो इनर ली दोनों अलग अलग दुकान से और पूरा मार्केट छान मार लिया, हमको कहीं पर भी नहीं मिली, कहीं पर भी बोल बोल के थक गई, सिर भी दुखने लग गया और थक भी गए पूरा। और मैं तो चलो कि ठीक है मैं तो घर पे ही रहूँगी, पर उनको तो जाना है अभी शादी में, अभी जाएंगे 4 बजे शादी में जाएंगे, ट्रेन से रतलाम जाएंगे तो वो तो और ज़्यादा थक जाएंगे, तो उनके लिए अभी रखा है मैंने पानी गर्म, और अभी मैं खुद भी पानी पी लेती हूँ और उनको भी पिला देती हूँ। तो वो तो पानी पी चुके हैं, मैं लेके आ गई हूँ और मैं आपको बताती हूँ। एक तो मैं ये लेके आई हूँ इनर, और मैंने मेरी जूती ठीक करवा ली है, और मैंने अपना ये मंगलसूत्र भी ठीक करवा लिया। मैं आपको एक सेकेंड इसको खोल के बताती हूँ। तो ये देखो, ये मैंने इस तरीके से करवाया है, बारीक बारीक से छोटे छोटे मोती की 2 लाइन करवाई है मैंने, ये देखो। अभी मैं पहनूंगी इसको, मैं कल जाते टाइम पे पहनूंगी, पहले से नहीं पहनूं मैं क्योंकि चुभता है। मुझे जाना है शादी में, आज ये जा रहे हैं, ये तो अभी शाम को वापस आ जाएंगे, पर मैं अब काम लेने लगूंगी, मैं बनाऊंगी अब खाना, और पहले तो चाय बना के पीती हूँ, पापा जी को चाय बना के पिला देती हूँ, और ये जाएंगे तो इनका जो भी है वो अभी खुद के कपड़े प्रेस कर रहे हैं, मैं तो बैठ गई हूँ आराम से आके, अभी मैं पानी पी लेती हूँ शांति से। तो गाइस, मेरा काम ऑलमोस्ट हो गया ख़त्म, और मैं देखो यहाँ पे ये तो कपड़े मैंने धोए हैं तो इसलिए रखे हैं, बाकी ये देखो मैंने साड़ियाँ सारी निकाल के रखी है नई नई, जो भी मुझे शादी में जाना है, तो और बैग भी रखा हुआ है, तो मेरे को पैकिंग करनी है, जाना है कल शादी में, तो मैंने कहा पैकिंग कर लेती हूँ, अब सब काम तो हो गया है मेरा। तो बस यही था आज का ब्लॉग, और इनर के लिए मैं इतना भागी हूँ मैं क्या ही बताऊँ। अगर मैं सच में वीडियो बनाती ना तो आप भी बोलते कि बाप रे इतना ज़्यादा ढूंढना पड़ा आपको, पूरा मार्केट छान मार लिया हमने, और तो जिन दुकानदारों ने दुकानें बताई ना कि आपको वहाँ पे मिल जाएगा, हम वहाँ तक भी गए कि हाँ मिल जाए तो मिल जाए, और आखिर में मतलब हमने सोचा नहीं था कि वहीं पास में ही दुकान पे ही पहले सबसे पहले पूछ लेते तो वहीं पे ही मिल जाता हमको, इतना पूरा मार्केट घूमना नहीं पड़ता। चलो ये तो खैर होना था जो हो गया, और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक करे बगैर और सब्सक्राइब करे बगैर जाना मत, हाँ ठीक है बता देती हूँ मैं आपको, आप करके जाते नहीं हो, आप वीडियो देख लेते हो पूरा, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते नहीं हो, और कमेंट ज़रूर करा करो कि कैसा लगता है वीडियो आपको,
ठीक है, ओ चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैंने आपको रीज़न बता दिया कि मैंने इतने टाइम से क्यों मैंने वीडियो नहीं डाली थी। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई मुझे इन 3 महीनों में, मेरी तबीयत ख़राब थी, उनकी तबीयत ख़राब थी, और फिर इधर उधर रिलेटिव्स के यहाँ पे जाना भी हो जाता है, तो उसमें भी कई बार मेरा ध्यान नहीं रहा कि मैं बनाऊँ वीडियो। तो ये रीज़न था मेरा। तो बस थैंक यू सो मच, बाय।